हाय फ्रेंड्स, मो स्वप्ना आपण मानको स्वागत करुछि स्वप्ना किचन को। आज मो आपण मानको पई नै आसी बुंदी लड्डू रेसिपी। एथर गणेश पूजा रे आपण माने एही लड्डू को घरे निश्चय थरे तयारी करंतु। जदि आपण माने मो चैनल ले नुवा करि आछंती, चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलंतु आरंभ करबा आजिर रेसिपी। प्रथमे आमे गोटे मिक्सिंग बाउल नबा, सेथिरे 2 कप बेसन दे दबा। एबे आमे एथिरे अल्प अल्प करी पानी दबा आ गोटे मीडियम थिक रो बैटर तयार करनबा। आपण माने बेसन नो क्वांटिटी अधिक किमा कम मध्ये करि परिबे। ध्यान रखिबे पानी देला बेले एमती अल्प टिके टिके करी पानी देबे, नहले जदि बैटर पानीया हे जइबो ताहले बुंदी रो शेप भल आसिबनी, बिल्कुल बे गोल तयार हेबनी बुंदी। सेथिपाई आपण माने एथिरे अल्प अल्प करी पानी देबे आउ गोटे थिक बैटर तयार करनेबे। देखंतु बैटर कंसिस्टेंसी आपण माने ए भली रखिबे। एथि हमर बैटर रेडी हे जाईछि। एबे आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। बुंदी छाणीबा पई मु गैस ऑन करी तेल मीडियम फ्लेम रे गरम करी नेईछि। एबे आमे एथिरे गोटे बुंदा बैटर दे चेक करनेबा। देखंतु तेल रो टेंपरेचर आपण माने ए भली रखिबे। एठी बैटर दबा मात्र ही एटा ऊपर गोठी भासिबा को लागिला। बुंदी तयारी करबा पई एठी मु गोटे छणा यूज करूची। एबे आमे ए छणा ऊपर बैटर दे दबा। आपण माने ए छणा रे एमती अल्प अल्प करी बैटर देबे। देखंतु एठी केते बढ़िया बुंदी आमे तयारी होची। सब बुंदी रो से बिल्कुल गोल आछी आ गोटे साइज रे तयारी होची। आउ एठी बिल्कुल भी बुंदी तळे लागि कि रहुनी, सांगे सांगे तेल रे पड़ीबा मात्र ही ऊपर को उठी भासिबा को लागुची। तो आपण माने तेल रो टेंपरेचर ए भली रखिबे आउ बैटर रो कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखिले आपण मानकर मध्ये बुंदी ए भली पूरा गोल तयारी हेबो। जदि आपण मानकर बैटर पानीया हे जाईथिबो ताहाले आपण मानकर एठी बुंदी लंबा शेप रे तयारी हेबो। एकाथरे के अधिक बुंदी यूज करिवेनी। देखंतु आपण मानकर कढ़ाई जेते की जगह हेबो आपण माने सेते की बुंदी यूज करिवे। एबे आमे बुंदी को मीडियम फ्लेम रे गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत फ्राई करिबा। देखंतु एठी बुंदी रो कलर चेंज हे गलाणी आ केते बढ़िया से हमर बुंदी तयार हे छि। एबे आमे ए बुंदी को काढ़ी नबा। तो बुंदी को काढ़ीबा पई मु एठी गोटे छणा यूज करी छि, जहा द्वारा एथिरे थिबा एक्स्ट्रा ऑयल सब निगडी जाय थाए। याकू आपण माने ए भली छणा रे किबा टिश्यू पेपर रे मध्ये काढ़ी पारिबे। देखंतु एठी हमर गोटे बैच बुंदी रेडी हे जाईछि। याकू आमे गोटे बाल को काढ़ी नबा। सेम प्रोसेस रे आमे बाकी तक बुंदी तयारी करि नबा। आपण माने गोटे थरो ए छणा रे बुंदी देला परे छणा को धोई के आउ थरे यूज करिवे, नहले एथिरे आउ हमर बैटर तळ को पड़ी न थाए। सेथि पई आपण माने छणा को धोई के पोछि के यूज करिवे। देखंतु एठी मु सब तक बुंदी तयारी करि नैछि। बुंदी आउ टिके टेस्टी लागिबा पई एठी मु किछि ड्राई फ्रूट को काटि नैछि। आलमंड, काजू आउ किसमिस नैछि। ए सब ड्राई फ्रूट को आमे किछि समय पई तेल रे फ्राई कर नबा। ड्राई फ्रूट एठी ऑप्शनल अछि, किंतु ड्राई फ्रूट दबा द्वारा लड्डू आउ टिके टेस्टी तयारी हेथाय। तो सेथि पई मु एठी ड्राई फ्रूट यूज करछि। जदि आपण मानको या भितर कोनोसे ड्राई फ्रूट पसंद न ताहाले आपण माने याको स्किप करि परिबे आ आपणको पसंद रहिछ ड्राई फ्रूट यूज करि परिबे। ड्राई फ्रूट ओवर फ्राई न होबा पई एठी मु गोटे छणा रे याको छाणि नउजे। देखंतु किछि समय परे एठी हमर सब किसमिस फुलिबा को लागिलाणी। काजू आ आलमंड रे मध्ये कलर चेंज हे गेलाणी। सब ड्राई फ्रूट हमर भले से भाजि गेलाणी। याको आमे गोटे साइड रे रखिदबा। एबे आमे लड्डू पई सीरा तयारी करनबा। तो सेथि पई मु एठी गोटे पैन नेइछि, सेथिरे आमे 2 कप चीनी दे दबा। आपण माने जेते कि बेसन यूज करिवे सेते कि क्वांटिटी रो चीनी नेबे। चीनी रो आधा क्वांटिटी आमे पानी यूज करिवा। आपण माने एई भली कोनोसी भी गोटे जगा रे मेजरमेंट करि कि बुंदी तयारी करिवे। देखिबे आपण मानकर बुंदी मध्ये बिल्कुल परफेक्ट तयारी हेबो। तो एबे आमे गैस ऑन कर दबा। चीनी को भल से मेल्ट हवा को दबा। आपण माने ए भली याको एमती कंटिन्यू गोळौथिबे। गैस रो फ्लेम मु एठी मीडियम रे रखिछि। मीडियम फ्लेम रे आमे चीनी को भल से मेल्ट करि नबा।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆମର ଚିନି ଭରସା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କେଶର ଦେଇଦେବା। କେଶର ଏଠି ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଶର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ୟାର କଲର୍ ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ସିରାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆମ ସିରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ସିରାରେ ଆପଣମାନେ ତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି, କେବଳ ଏଇଟା ହାତକୁ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସିରା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ବୁନ୍ଦି ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରୁଥିବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ବୁନ୍ଦି ସିରାକୁ ସୋପ୍ କରି ନେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବୁନ୍ଦି ମିକ୍ସଚର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବେନି, ନହେଲେ ଏଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ହାଲକା ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବାକିତକ ଲଡ଼ୁକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ପାଣି ଲଗାଇକି ୟାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏ ମିକ୍ସଚର୍ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ ଆଉ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁତକ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବା କେତେ ସହଜ। ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲଡ଼ୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।